एमसी सिंसोदिया ने किया जनसंवाद, बोले कूड़े के पहाड़ साफ करेंगे। लोगों से एमसीडी में भी आपको मौका देने की अपील की। विशेष संवाददाता नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को साउथ दिल्ली के 9 वार्डों में ताबड़तोड़ जनसंवाद किया। उन्होंने पुलपहादपुर, तुगलकाबाद, हरकेश नगर, श्रीनिवासपुरी, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, संगम विहार बी और संगम विहार सी वार्ड में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान स्थानीय विधायक और एमसीडी चुनाव में पाटम के उम्मीदवार भी मौजूद रहे। उन्होंने जनता की विभिन्न समस्याओं को जाना और इस बार एमसीडी में बदलाव लाने की अपील की। कालकाजी, गोविंदपुरी, कूड़े के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में कूड़े के 3 पहाड़ बीजेपी की नाकामी के पहाड़ हैं। इनसे त्रस्त जनता अब की बार एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाकर कूड़े के पहाड़ों के साथ साथ बीजेपी का भी सुपड़ा साफ करेगी। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को एक मौका दिया और उन्होंने अपने सारे वादे निभाए। अब जनता एमसीडी में भी अपने सारे काम करवाने के लिए आप को मौका जरूर देगी। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि एमसीडी में वीकेंड पर प्रचार के लिए उतरेंगे सीएम। यमुना पार के इलाकों में भी आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। गोपाल राय ने ब्रह्मपुरी, भजनपुरा, गोंडा और यमुना विहार में पार्टी प्रत्याशियों के साथ जनसभाएं की। वहीं दुगेश पाठक ने करावल नगर ईस्ट, करावल नगर वेस्ट, श्रीराम कॉलोनी, सोनिया विहार, रसभापुर, सादतपुर जैसे इलाकों में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान बड़ी तादाद में स्थानीय लोग और पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। भी अरविंद केजरीवाल की सरकार आना तय है, इसलिए अपने वार्ड से आप लोग केजरीवाल के ही पार्षद चुने, क्योंकि अगर किसी और पार्टी का पार्षद बना तो वो सिर्फ आपके काम रुकवाएगा और 24 घंटे सिर्फ अरविंद केजरीवाल से लड़ने का काम करेगा। वहीं अगर केजरीवाल का पार्षद बनेगा तो वो खूब अच्छे से सफाई बीजेपी पार्षदों ने भ्रष्टाचार वसूली और करवाएगा, जनता के सारे काम करवाएगा। उन्होंने कूड़े और भ्रष्टाचार के मुद्दा उठाते हुए कहा कि पिछले 15 सालों में बीजेपी ने देश की राजधानी को कूड़ा कर दिया है। एमसीडी में सफाई का अपना मूल काम करने में बीजेपी पूरी तरह फेल साबित हुई है। दिल्ली को साफ करने के बजाय इन सभी जनसभाओं में आप नेताओं ने केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद थीम को समझाते हुए लोगों से आम आदमी पार्टी के ही पार्षद चुनने की अपील की। सभी जगहों से सीएम और डिप्टी सीएम को बुलाने की लगातार डिमांड आ रही है, लेकिन अभी सीएम के कार्यक्रम फिक्स नहीं हुए है। उम्मीद की जा रही है कि शुक्रवार या शनिवार को सीएम भी चुनाव प्रचार के लिए कई इलाकों में जा सकते हैं। लेंटर माफिया के माध्यम से लोगों की जेबें साफ करने का काम किया है। इनके 15 सालों के कुशासन में एमसीडी के स्कूल, अस्पताल भी बदहाल हो गए हैं और जनता जब इनसे सवाल पूछ रही है, हिसाब मांग रही है, तो बीजेपी कोई जवाब नहीं दे रही है। बीजेपी के लोग बस अरविंद केजरीवाल को गाली देना जानते हैं। सिसोदिया ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने वोट के जरिए नगर निगम को ठीक करने की जिम्मेदारी दिल्ली की जनता की है। इस बार एमसीडी में भी केजरीवाल की सरकार बनेगी तो एमसीडी में भी 5 साल के अंदर हम वो सब काम करके दिखाएंगे जो पिछले 15 सालों में नहीं हुए हैं।